हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो गैस आज की वीडियो में ड्रॉ करने वाले हैं मुरार ठाकुर मैम का ड्राइंग, जो कि गैस सितारा रोल निभाए थे सितारा मूवी में, उस मूवी का पीक आज ड्रॉ करने वाला हूं। तो गैस यहां पर जो रेफरेंस देख रहे हो तो उस मूवी का पीक है। तो गैस इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके मेरे साथ ड्रॉ कर सकते हो। तो गैस यहाँ पर मैं पहले आउटलाइन बनाने वाला हूँ, जो कि फ्री एंड ट्रैक होने वाला हूँ। यहाँ पर थोड़ी बहुत मैं पेंसिल में यूज करके यहाँ पर मैं आउटलाइन को बनाने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप किस तरह से मैं ड्रॉ करूँगा। तो गैस यहाँ पर पहले जो रेफरेंस प्रोग्राम है इसको मैं ब्लैक एंड व्हाइट बना दिया हूँ, ताकि आउटलाइन वगैरह अच्छी तरह से ड्रॉ कर पाऊँ और बाद में हम स्केचिंग भी अच्छी तरह से ड्रॉ कर पाएंगे। शेडिंग लाइट शेडो को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करके बाद में हम शेडिंग कर पाएंगे। तो गाइस यहाँ पर पहले रेफरेंस को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, फ्री हैंड जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो तो अच्छी तरह से आपको रेफरेंस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा किस तरीके से है फेस। तो यहाँ पर देखते जो फेस है थोड़ी सी इस तरीके से झुकी हुई है, तो इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ करना है, उसके अकॉर्डिंग आप आगे आउटलाइन ड्रॉ करोगे। तो आई को देखते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और मिडिल में एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो आपको पहले जितना साइज में ड्रॉ करना है उतना साइज में आपको जो रेफरेंस प्रोग्राम है उसको जूम कर देना है। तो इतना साइज में हम ड्रॉ करेंगे। तो गाइस यहाँ पर पहले आपको दो लाइन ड्रॉ करनी है, तो थोड़ी सी इतना, तो पहले आपको दो लाइन ड्रॉ करनी है, एक आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद यहाँ पर मिडिल में एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो उसी तरह से पेपर में भी दो लाइन ड्रॉ कर देना है आपको, तो जिस तरीके से यहाँ पर है। तो अभी हमको दोनों आई की डिस्टेंस को नापना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है पहले मेजर करने वाले हैं। तो यहाँ पर वाइज मैं पेंसिल में यूज करके यहाँ पर मैं जो पोजिशन सेट करने वाला हूँ, तो यहाँ पर पहले दोनों आई की डिस्टेंस जो है नाप लेते हैं, पहले बीच में जो डिस्टेंस गैप है। तो अभी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नाप लेता हूँ। तो अभी यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर रेफरेंस में है उसी तरीके से हमको यहाँ पर आउटलाइन ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ पर पहले मैं जो आउटलाइन है ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद बाकी पार्ट को बनाएंगे। तो अभी फिलहाल जो आईब्रो है उसको ही मेयर करके यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आई और आईब्रो को बनाने के बाद अभी यहाँ पर जो नोज और जो लिप पार्ट है उसको बनाने वाले हैं, तो उसकी पोजीशन सेट करने वाले हैं। तो कैसे हमको देखना पड़ेगा आई की कौन सी पार्ट के नीचे से जो नोज है स्टार्ट हो रही है, तो कितने में आएगी जो नोज है और जो लिप्स है, उसको देखने के लिए हमको आई से हमको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो नोज है आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम भी यहाँ पर जो दो लाइन है ड्रॉ करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर नोज की लंबाई नापने के लिए मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नाप लूंगा। तो इतने में जो नोज है आ जाएगा, तो मैं आउटलाइन को पहले ड्रॉ कर देता हूँ। Thank you.
तो अभी यहाँ पर नोज को बनाने के बाद अभी यहाँ पर जो लिप है उसकी लाइन देखना पड़ेगा। तो आई की कौन सी पार्ट के नीचे पड़ रहा है आपको यहाँ पर देखने के लिए, यहाँ से मैं दो लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो ही फिलहाल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके मैं मार्क कर देने वाला हूँ। उसके बाद आगे मैं जो लिप की आउटलाइन बनाने वाला हूँ। तो देखिए तो गाइस यहाँ पर लिप पार्ट को बनाने के बाद अभी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नाप लेता हूँ कितना है। तो गाइस यहाँ पर जो मार्किंग वगैरह था इसको इरेज करने के बाद गाइस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लेता हूँ और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके जो बाकी पार्ट है उसको बना देता हूँ जो आउटलाइन है। तो यहाँ पर जो नेक है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको देखने के लिए गाइस यहाँ पर आपको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से देखना पड़ेगा तो कितने डिस्टेंस में जो नेक है, जो नेक के लाइन है स्टार्ट हो रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पर आपको देखिए किस तरह से यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, तो उसी तरह से यहाँ पर भी आपको जो नेक का लाइन है वो मिल जाएगा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद इस साइड को आएंगे तो अभी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नापेंगे और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नाप लेंगे। तो अभी जो हेयरलाइन है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको देखने के लिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नाप लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर जो आउटलाइन है वो तो कंप्लीट हो गया। तो गाइस इसकी नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है जहाँ पर गाइस मैं सेटिंग करने वाला हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो गाइस आउटलाइन वीडियो किस तरह से लगा जरूर नीचे कमेंट करना, अपने सजेशन जरूर देना। और गाइस अभी तो चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। तो मिलेंगे बहुत ही नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।